बंदे हम है मालिक तेरे बंदे हम ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा चाहे टीचर छोटा है बड़ा है, इन्होंने ट्रेनिंग ली है डिस्ट्रिक्ट टीओटी की और ये हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि रूल रेगुलेशन से हम इनकी बात सुने। हरदयाल जी है ये आप लोगों को कल जो हमारे टीओटी ने आदरणीय श्री अमित जी ने पढ़ाया हम ये हमारे जो हरदयाल जी है वो बताएंगे, मेरे सहयोगी भी है। इधर फोटो ले ले बढ़िया सुंदर। गुड मॉर्निंग, आज मैं रिकैप कर रहा हूँ कि वृद्धावस्था क्या है, उसके जोखिम क्या है, लक्षण क्या है और उसका आंकलन कैसे किया जाता है। तो वृद्धावस्था वो अवस्था है जब इंसान की आयु 60 साल से अधिक हो जाती है, तो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, शरीर में कार्य करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। तो वृद्धावस्था के लक्षण क्या क्या हैं? दिखाई कम देना, सुनाई कम देना, नींद में परेशानी, भूख में कमी, याददाश्त में कमी। जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तब स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो क्या क्या जोखिम होते हैं इसमें? जैसे पोषण की कमी हो जाती है जिससे रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो कम होने लगती है, जीवन शैली गतिहीन हो जाती है जिससे शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, अत्यधिक दवाइयों के सेवन से गुर्दे का कार्य न करना, आंत संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अब बुजुर्गों में जोखिम का आंकलन कैसे करें? बुजुर्गों में जोखिम का आंकलन करने के लिए ये देखना चाहिए कि उनको खाने पीने, कपड़े पहनने, प्यार होने, नहाने आदि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, या फिर ऐसी अक्षमता से पीड़ित हैं जिसके कारण वे अपने परिवारजनों के नाम या अपना घर का पता ये सब भूल जाते हैं। इन बातों से बुजुर्गों में जोखिम का आकलन किया जाता है। धन्यवाद। बुजुर्ग लोगों से मतलब गिरने और हड्डी टूटने, बुजुर्ग लोगों को अक्सर गिरने का खतरा बना रहता है क्योंकि वो जो है अपना बैलेंस नहीं संभाल पाते, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कमज़ोर हो जाती है उनकी हड्डियाँ और आसानी से वो फ्रैक्चर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो पूरी अपनी बैलेंस डाइट भी नहीं ले सकते इस वजह से। और उनके जो है ये दो कारण है, एक बाहरी कारण है जैसे बाथरूम में फिसलन, भरा बाथरूम होगा या चिकनी टाइल होगी या रेलिंग वाली बिना रेलिंग की सीढ़ियाँ होगी या फिर अंधेरा सा होगा या मतलब कम रोशनी होगी जहाँ भी वो जा रहे हैं बाथरूम वगैरह। तो व्यक्तिगत कारण है इसका, एक तो है कि वो गंभीर बीमारी से परेशान हो, बीमारी से जैसे उसे आंखों के आगे अंधेरा छाता है, चक्कर आ रहे हैं या दौरा पड़ रहा है या उसे बेहोशी वगैरह है या उसको ढंग से दिखाई नहीं देता है या जैसे चलते हुए उसका बैलेंस नहीं बन पाता है। जेरियाट्रिक असेसमेंट, इसमें जो सबसे पहले था वो था हमारा जोखिम आकलन या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिस्क असेसमेंट। जैसा कि हम सबको पता है हमारे सब सेंटर या HWC हम बोलते हैं उसके अंतर्गत आशा वर्कर जो है वो उसमें एक सीबैक फॉर्म फिल करती है। तो इसमें जो बुज़ुर्गों के लिए विशेष तौर पे जो बनाया गया है सीबैक का B3 पार्ट है वो उसके लिए बुज़ुर्गों के लिए विशेष तौर से बनाया गया है और उसमें मुख्यतः 4 बिंदु हैं जिन पर आशा जो है वो फोकस करेगी। तो नंबर 1 है इसमें, हाँ आशा ने इसमें पूछना होता है उनसे हाँ या ना में, क्वेश्चन करना है। तो आशा उसमें पूछेगी
बुजुर्ग व्यक्ति से कि क्या आप खड़े रहने या चलते समय अस्थिर महसूस करते हैं। नंबर टू, क्या आप किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षमता से पीड़ित हैं जो आपकी शारीरिक गतिविधियों को रोकती हैं, हाँ या नहीं में, ये भी। तीसरा है, क्या आपको रोज़मर्रा की गतिविधियों जैसे कि खाने, कपड़े पहनने, तैयार होने, स्नान करने, चलने या शौचालय का उपयोग करने जैसी रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है, इसमें भी हाँ या ना में पूछेंगे। और वृद्ध लोगों की स्थिति का आकलन किया जा सके और इसके बाद के प्रबंधन को अनुकूलित किया जा सके, तो ये इसका रीजन है नहीं करने का। और ये देखा गया कि हॉस्पिटल्स में जो सीजी असेसमेंट करवाते हैं एल्डरली, तो उनका जो लाइफ स्टाइल मीन्स जो उनके चेंजेस, उनकी जो असेसमेंट के थ्रू उनकी पॉजिटिव चेंजेस देखे गए, एक साल तक उनकी मतलब जो लाइफ है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाती है। देन सीजी के केंद्र में 5 क्षेत्र हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति, जिसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, सिर से पैर तक एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि आंखों की कोई शिकायत तो नहीं, उन्हें धुंधलापन तो नहीं लग रहा, आंखों में दर्द तो नहीं हो रही, कम नजर तो नहीं हो रही उनकी। और साथ में जो भी ड्यूटीज आए हुए हैं विभिन्न ब्लॉकों से, तो बाकी इंट्रोडक्शन हमारे साथ सुनेंगे। सबको मेरा नमस्कार, मैं और आज हमें जो ट्रॉफी को मिला वो जो मैं स्वास्थ्य प्रभाव और साथ में जो इनका आग्रह और फर्स्ट वन मैं पोषण की कमी। देखिए पोषण की कमी, आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो है दुर्ग नहीं बोल सकते हैं इनको, मैं सुना था तो मेल है, तो ये डिफाइन कर रहा है ये डायग्राम। तो आपको पता है पोषण की कमी होती है जब, उससे क्या होता है कमालोरेशन, इसमें पोषण की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होगी, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर होगी, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है कितनी मांसपेशियां होती है पुरुष के अंदर? 539 वेरी गुड, 100 का ही फर्क है। अच्छा कोई बता सकता है कि जो स्मॉल बेबी होता है हाँ उसके कितनी अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 306 गलत है, 300 वेरी गुड, 300 फिर डिफ्यूज हो जाता है, मेडिकल टर्म से है बता। तो हम बात कर रहे हैं पोषण की कमी, ठीक है। तो पोषण की कमी से क्या होता है, कोई भी जो है आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है, मानसिक तौर पे भी हो सकती है, शारीरिक तौर पे भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी बीमारी आपको जो है पोषण से लग सकती है। दूसरा पॉइंट है तो धूम्रपान, आपको ये सिगार दिख रहा है हाँ। ठीक है, वैसे तो बीड़ी भी पीते हैं कई, सिगरेट भी पीते हैं, पर हमने थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो सिगार, ठीक है, सिगार का धुआं आपको दिख रहा होगा। तो आपको पता है बीड़ी पीने से क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक मैंने स्लोगन बताया था, एक एक बीड़ी मौत की सीढ़ी। जब कोई भी बुजुर्ग है 60+ एज में पहुंच जाता है तो स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है, पर स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाने से पहले उसको ये स्लोगन याद होना चाहिए, एक एक बीड़ी मौत की सीढ़ी, तभी वो स्वर्ग की सीढ़ी पे जाएगा। तो धूम्रपान करने से क्या होता है, लंग्स, आपको पता है सांस की बीमारी हो जाती है, ठीक है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो और कई प्रकार की बीमारियां हैं जो धूम्रपान से हो जाती है। तो अब देखिए शराब भी हमने आरी गैलरी रखी, ब्रांडी रखी है, तो अभिषेक जी बताएंगे कौन सा ब्रांड है ये? ब्लैक डॉग, या वेरी गुड, इन्हीं का ब्रांड हमने रखा है यहाँ पे, कौन सा? टाटा शेक से जरा। हाँ जी, तो आप देखिए अत्यधिक शराब का सेवन करने से क्या होता है, तो जब भी कोई भी अत्यधिक शराब का सेवन करेगा लीवर, किडनी, मतलब सब कुछ डैमेज हो जाता है, और घर वाले भी डैमेज, समझ रहे हो? तो अत्यधिक शराब से हमें जो है बचना चाहिए। अब देखो अत्यधिक दवाइयां खाने से क्या होता है, अब दवाइयां बड़ी प्रकार की होती हैं, नशे की दवाइयां भी होती हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कितनी खा गए, या नींद की दवाइयां भी होती हैं, पता नहीं चलता कितनी खा गए। तो नशे की दवाइयों का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, मानसिक तौर पे भी इंसान चला जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, अब कई दर्द की गोलियां खाते रहते हैं, किडनी लीवर सब डैमेज हो जाता है, ठीक है।
अब देखो दुर्घटना और चोट, तो दुर्घटना और चोट जब इंसान जो है बूढ़ा हो जाता है तो आपको पता है बुजुर्ग जो होते हैं वो हम कैटेगरी कौन से कंसीडर करते हैं, 60 एंड 60 अबव। तो जब भी 60 एंड 60 अबव कैटेगरी में इंसान पहुंच जाता है तो क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं ऑटोमेटिकली कमजोर होने लग जाती हैं, ठीक है, और साथ में मांसपेशियां भी कमजोर होगी। तो इंसान टोटली इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि पता नहीं चल रहा कहीं गिर जाए, कहीं भी गिर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि डंडा छूट चुका है इनके हाथ से, दिख रहा होगा सभी को। तो जो भी बुजुर्ग, हम सभी को नहीं बोलते, कई होते हैं जो डंडा का सहारा लेके चलते हैं, तो यूज करनी पड़ेगी। तो आशा तो ये चलती है, अब मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा तो कई बार हो सकता है पता न चले। तो इन लेमैन लैंग्वेज रोडा इनका ऐसा लग रहा है निकल चुका है, अब ये निकल गया द्वारा ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब कि जो भी नुकसान होता है दुर्घटना के बाद उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट रोगियों में जोखिम का आंकलन कैसे करें, आप सभी को पता है एनसीडी, सीएचओस बैठी है, सभी को पता है एनसीडी क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो एनसीडी में सबसे पहले आशा वर्कर का क्या कार्य होता है, सबसे पहले एनरोलमेंट करनी, पहला कार्य तो यही है ना, एनरोलमेंट करो। एनरोलमेंट करने के बाद क्या करना होता है, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, अब सभी ने एनरोलमेंट कर ली, उसके बाद क्या करना होता है, सीबैक फॉर्म फिल करने होते हैं। तो सीबैक जो फॉर्म फिल करने होते हैं, बाकी आपको ये भी पता है एनसीडी में 5 प्रकार की बीमारियां आती हैं। सबसे पहले जाती है बीपी, हाइपरटेंशन बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है, बाकी एक ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ठीक। तो सीबैक अगर फॉर्म सीएचओ ने देखा होगा, क्योंकि भर्ती तो आशा ही है, इंसेंटिव सीएचओ को भी मिलता है, सभी को पता है ना। तो अगर हम बात करें सीबैक खंड B3, एक कॉलम है उसमें B3 बुजुर्ग 60 एंड 60 अब जो है फिल कर सकते हैं। 60 अब क्या होता है, अब ये नहीं कि 60, 70, 80, 100+ भी उसको, मतलब जब तक इंसान जिंदा है, ठीक है। अब आशा अपने कंसर्न विलेज में जाएगी, तो मतलब जो इस आधार पर वो अपने काम मूल्यांकन करेगी कि इसमें कौन से, इसमें 4 पॉइंट हैं, मतलब वो वहाँ या आपको रोज का काम करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। आप दिन से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मान लो इसमें मैंने हाँ कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दी, हाँ कर दिया, यस कर दिया, जैसे यहाँ पे हाँ किया तो ये जो है वो रेफर कहाँ हो जाएंगे, बताएगी कोई सी एच ओ? हाँ जी मिस्टर हर्ष जी, एमओ को, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ही हमने चारों में से किसी को भी हाँ किया तो वो रेफर कहाँ कर देंगे, सब सेंटर से पहले आशा भरेगी, ठीक है। आशा ने हाँ किया तो सी एच ओ या फिर एम पी डब्ल्यू के पास जाएगा डाटा, अगर और वहां से कहाँ जाएगा, एमओ की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब जैसे ही एमओ की तरफ कन्वर्ट होगा तो वहां पे जो है, जो भी हमारे बुजुर्ग रोगी होती है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहली कैटेगरी क्या आ जाती है, चलने फिरने के योग्य। तो आप देख रहे होंगे ये थोड़े हमारे टकले भाई साहब है ना। तो आप बताइए 60 प्लस एज की कैटेगरी क्या होती है, जब इंसान के बाल उड़ जाते हैं, बाकी आएंगे जो आप बोल रहे हैं आएंगे उसमें भी आएंगे, टेंशन भी लेनी, ठीक है। तो 60 प्लस अब इनके बाल झड़ चुके हैं और दांत भी कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, दांत भी झड़ गए, बाल भी झड़ गए, बस खड़े हैं टेटे टूटे, तो चलने फिरने के योग्य। और सेकंड है चलने फिरने में असमर्थ, जब डंडा पकड़ लिया इसका मतलब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट है क्षयग्रस्त बुजुर्ग, यानी कि जिसको हम प्लेटिव केयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शामक, ठीक है, जिसके बारे में विशेष तौर पर हम जो है चर्चा करते आ रहे हैं। तो एमओ जो है इन कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उसी हिसाब से वो जो है स्पेशलिस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। आप सभी को पता है ये जो थर्ड कैटेगरी है, एक हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम है सहारा योजना, 3,000 रुपया पर मंथ मिलता है। तो ये जो बेड रिडन पेशेंट बोलते हैं जिनको हम, तो किसी को भी आप जिला सकते हो, 7 बीमारियां तो जैसे सबने भी बताया था, ठीक है, कि वो फिक्स है, बट अगर कोई बेड रिडन है वो भी इसका लाभ जो है ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इन सभी जो भी 60 प्लस, आपको पता है अब जैसे ये तस्वीर देखी होगी, सर बुरा मत मानना, ये तस्वीर देखी होगी, ये हमने थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के बनाई थी, थोड़ा सा, जब आप 2 साल बाद 60 प्लस
एज में पहुंच जाएंगे तो आई थिंक शायद थोड़ा सा आप ऐसे दिखो, ठीक है, थोड़ा बहुत पाना सर, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है क्या डिफाइन कर रही है, बुजुर्ग व्यक्ति, ये पूरे जो है चित्र का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो तो देखो हम नहीं चाहते कि आफ्टर 60 प्लस सर की पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत आए, ठीक है, क्योंकि सर की पर्सनैलिटी अभी भी बड़ी अच्छी है और आध्यात्मिक तो सर है। और ये मुझे कहा नहीं, मुझे हम आजकल बड़े तेल चले हैं, ठीक है, जिससे हम बाल भी आ जाएंगे। हाँ आजकल आपको पता ही बाल यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि है मुझे जब आए तो बाल भी आए, ठीक है, चलो मुद्दे से हमें भटकाया जा रहा है। तो अब देखो आप सभी को पता है जो भी 60 प्लस हो जाता है रिटायरमेंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है तब लोग जो है जोर जोर से योगा करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल खराब हो गया होता है। पहले बंदा उठता था सवेरे तैयार टू है ऑफिस वाला, टाइम टू अपना सेट होता था सारा, पर जैसे ही रिटायर हो जाता है तो साइकोलॉजिकल क्या हो जाता है, इल मैं तबिल हो गया, उनका कोई काम नहीं बचा, उनका पूरा दिन क्या करना, ठीक है। तो फिर इंसान को बीमारियां ऑटोमेटिकली जो है जकड़ लेती हैं। तो कुछ टाइम पहले मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हमारे मेरे पापा के फ्रेंड आए, हम उनके घर गए, तो वो आंटी टीचर रिटायर हुए थे, तो उनको क्या हुआ, कैंसर हो गया, तो वो काफ़ी जगह भड़क गए। तो एंड ऑफ द डे वो बाबा रामदेव जी का एक योग शुरू चला, वो चाप भर्ती करते हैं वो, है ना, महीने के लिए करते हैं शायद, तो वह शिविर जो होते हैं तो वहाँ भर्ती हो गए। उन्होंने एक्चुअली पहले 60 लाख रुपया खर्च कर दिया, पूरे खाली हो गए, एंड ऑफ द डे वो योग उस शिविर में पहुंच गए और आज वो बिल्कुल ठीक है, कैंसर से ठीक है। तो इन शॉर्ट योग, अब आपको पता है पतंजलि बाबा रामदेव के गुरु ऋषि पतंजलि, उन्होंने योग के बारे में बड़ा डीपली बताया है और उनकी एक बुक भी है अष्टाध्याय, ठीक है, उसमें भी बड़ा कुछ है। बाकी अगर हम बात करें चरक संहिता बुक पढ़ी किसी ने तो पढ़ना, उसमें भी बुजुर्गों के रिलेटेड बड़ा कुछ डीपली नॉलेज दी है चरक संहिता। एक हमारे चरक जी हैं आयुर्वेदा के बड़े पहुंचे हुए, जिन्होंने क्या किया कि नदी चलती थी बड़े टाइम पहले की बात है, वहां पे नदी के किनारे कुटिया जो है बना ली। तो पहले टाइम में क्या होता था, बंदे मरते थे चल लाश नदी में, तो वो क्या करते थे नदी में जैसे लाश आती थी उनका चीरफाड़ करके, तो सर्जन थे जो चरक है ना चरक, वो सर्जन थे, तो उन्होंने सारी चीज़ों निकाली कि किस प्रकार किस बीमारी का इलाज हो सके, हर एक चीज़ उन्होंने डिफाइन किया है। तो बस यही मेन है कि अब जब भी इंसान बुजुर्ग हो जाए तो उनको पहले योग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, और साथ में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनको लेना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या क्या पोषक चीज़ें उनको लेनी है, समय अनुसार लेनी है और उसी हिसाब से लेनी है जिससे उनको जो है इफेक्ट ना पड़ सके। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप जो है हमें पूछ सकते हैं। अभिवादन शील से नीत सेविना आयुर्वेदा ईश्वलम, इसकी डेफिनेशन तो सर ही देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, थैंक यू। प्यास होना, ऊर्जा में कमी होना, बिना कारण वजन कम होना, अल्सर, पैर में छाले होना, अत्यधिक थकान होना, रुचि की कमी होना, कंसंट्रेशन कम होना किसी काम में, बार बार संक्रमण होना, घावों का सही धीमा उपचार होना, और दृष्टि में धुंधलापन होना, और हाथों और पैरों में सुन्न हो जाना, और जो एमपीडब्ल्यू की भूमिका होती है जो किसी प्रशामक के मतलब घर पे जाते हैं तो उन्हें क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं इजाजत चाहूँगा विमल जी आपसे, बहुत ही अच्छा, कमजोर हो जाती है, ये सारे जो है वृद्धावस्था के लक्षण हैं। इसके बाद जो है मूत्र तंत्र एवं जननांग को संबंधित समस्याएं जो है हर्ष जी एक्सप्लेन करेंगे। मैं हर्ष CHO ब्लॉक नंदोटा वर्मा, हमारा आज का मेरा था मूत्र तंत्र एवं जननांगों संबंधी समस्याएं। तो ज़्यादातर हमें पता है कि बुढ़ापे में मोस्ट जो आती हैं हमें दिक्कतें, जैसे हम फेस भी करते हैं, है ना, तो हमें बुजुर्गों को खासकर ना बड़े डीपली तरीके से पूछना चाहिए, जो भी हमारे पास जैसे सब सेंटर लेवल में आ रहे हैं या हम जैसे फील्ड में जा रहे हैं, तो चाहे उन्हें कुछ भी ना हो फिर भी उनको एक बार पूछ लेना चाहिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत तो नहीं आती, या उनकी फिर उसी हिसाब से उनको हमें आगे बताना भी है। मान लो इसमें मैंने हाँ कर दिया, यहाँ पे आओ भी बड़ा तो यदि हाँ कर दिया, यस कर दिया, ये जाता है, इसमें कुछ आर्थिक सहायता लगभग 300 पे लगभग दी जाती है,
श्रवण शक्ति इसमें मोतिया भी। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी धारणा की आई ग्रोथ सोचने में भी है ना, खाना खाने में भी, सोशली इन्वॉल्व होने में भी, वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लेते हैं है ना, और वो ज़्यादा सोचते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस ये है कि एज के साथ साथ जो एजिंग प्रोसेस है वो जैसे जैसे बढ़ता है तो बंदे का सोचने का भी थोड़ी क्षमता, वो वाली एनर्जी नहीं रहती है जो अर्ली होती है, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और वो सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ लगती थी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, मतलब बहुत सारा, मैं बड़ा कुछ जो भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं बच्चे में से डिसऑर्डर्स आते हैं। अगला है मुख संबंधी स्वास्थ्य। जब हम 60 प्लस बुजुर्ग को काउंसिल करेंगे कि आप दातुन मत करो, ये मत करो, है ना, जो बेसिक वो घर के नुस्खे यूज़ करते हैं, है ना, उनको रोकना है, उनको बोलना है कि प्रॉपर ओरल केयर उनको बतानी है कि कैसे अपने अपना, क्योंकि मुँह से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, है ना। मुख संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, ये हमारे जो है 20 मार्च को इसका हेल्थ डे जो हम मनाते हैं, ये और ये तो जो किताबों में है वो आपको बताए हैं, लेकिन फील्ड में तो वो बोलने लगे नहीं नहीं मैं आपको एक्टर दिखाई दे रहा हूँ, तो उसने बोला नहीं नहीं जो सुबह ने बात कर रहे थे। मैं विपुल शर्मा, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ब्लॉक मीरपुर, और मेरे साथ हैं CHO मिस मुस्कान, मैं ब्लॉक शाहपुर से। तो जैसे कि कल के वक्ताओं ने, हमारे ट्रेनरों ने और आज के वक्ताओं ने बताया कि मनुष्य जब 60 की एज के आसपास पहुँचता है तो वो बुढ़ापे की तरफ आ जाता है, और बुढ़ापे में हमारा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वो काफ़ी सारी बीमारियों के लिए संवेदनशील हो जाता है। तो उस कमज़ोरी की वजह से बुजुर्गों को खतरा रहता है गिरने का। पानी में डाल के रखें जिससे जो होता है वो हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम जो अच्छे से